सो है गाइस फाइनली 15th में आज MHT CET PCB सेक्शन का पहला दिन है। पहला दिन का दूसरा शिफ्ट भी खत्म हो चुका है। सो गाइस इस वीडियो में यही देखेंगे 15th में का शिफ्ट का पेपर रिव्यू एनालिसिस कैसा रहा और 90+ percentile लाने को कितने मार्क्स लगेंगे एंड सम इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी एंड टिप्स। सो लेट्स सी इन दिस वीडियो। सो गाइस फाइनली 15th में शिफ्ट टू पेपर रिव्यू एनालिसिस। सो गाइस इस वीडियो में हम देखने वाले पेपर रिव्यू, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एंड सम स्ट्रेटजी एंड टिप्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो 15th में शिफ्ट टू डिफिकल्टी लेवल, पेपर का जो लेवल आया था वो एक्जैक्टली मॉडरेट लेवल का पेपर था। सुबह का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया है, मॉडरेट लेवल का पेपर था। और मुझे जितने ही स्टूडेंट्स ने बोला, उन्होंने बोला कि बायोलॉजी जो आया था वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें भी नहीं मालूम कहाँ से पूछे गए थे। सो लेट्स सी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। फिजिक्स वॉज मॉडरेट टू हार्ड। फिजिक्स का बहुत सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड थे, फॉर्मूला बेस्ड थे, जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था। केमिस्ट्री एकदम ईजी आ रहा था। केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक के लाइन से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नेम रिएक्शन से बहुत क्वेश्चन मिले थे। और केमिस्ट्री में फॉर्मूला करके जाना सॉल्यूशंस और सॉलिड स्टेट्स के, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए। थर्मोडायनेमिक्स से ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आ रहे थे, सो वो सब चीज़ें करके जाना। बायोलॉजी मॉडरेट लेवल का था। बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टूडेंट्स को मालूम नहीं कहाँ से पूछे गए, बट थे वो टेक्स्ट बुक से। सो बायोलॉजी सब टेक्स्ट बुक से ही आ रहा है। बायोलॉजी में आप डायग्राम्स अच्छे से करके जाओ और टेक्स्ट बुक में बीच बीच में टेबल्स गिवन है, उन टेबल्स में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो टेबल्स अच्छे से आने चाहिए हर चैप्टर्स के, तो एक बार वो देख के जाना अगर आपका पेपर कल है, परसों है या फिर आने वाली शिफ्ट में। सो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात की जाए, पेपर का लेवल जो था मॉडरेट लेवल था, ना इजी था ना डिफिकल्ट था, एक्जैक्टली मॉडरेट था। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर आपके 102 मार्क्स आ रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करो कि आपके 90+ percentile आराम से बन जाएंगे। सो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल आपकी स्क्रीन पे है, इसमें आप मान सकते हो ±1 percentile का वेरिएशन रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस शिफ्ट। बट अगर आपके 102 या उसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप आराम से बी एश्योर्ड कि आपके 90+ percentile बनने ही वाले हैं। सो गाइज अभी सम स्ट्रेटजी एंड टिप्स। सो गाइज एक ही टिप्स है, केमिस्ट्री इजी आ रहा है, केमिस्ट्री को ट्राई करो 35-40 मिनट्स में सॉल्व करने का, क्योंकि बाकी का जो टाइम है वो आप फिजिक्स में बिता सकते हो, क्योंकि फिजिक्स लेंदी है, कैलकुलेशन है बहुत सारी, फिजिक्स के लिए बाकी सारा टाइम इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड बीएनसी अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आप मान लो आपके पास लास्ट में टाइम नहीं बचा सॉल्व करने का, सब में ऑप्शन बी टिक करो या फिर सब में ऑप्शन सी टिक करके आओ। बीएनसी ही क्यों, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है करेक्ट होने की। अभी थर्ड, अगर आपका पेपर कल है, परसों है, उसके आने वाले दिनों में, तो रिवाइज फार्मूला, फिजिक्स के फार्मूलाज करके जाओ। फिजिक्स में 70% क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड आ रहे हैं, सो प्लीज़ फार्मूला एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाओ और कैलकुलेशंस पे ध्यान देना। सो गाइज यही था मेरी ओर से। बाकी पेपर का लेवल मैंने बता दिया, मॉडरेट लेवल का पेपर था। सो अभी आप कमेंट सेक्शन में, आपकी जिम्मेदारी है, आपको भी आपके पेपर का रिव्यू देना है कि आपके हिसाब से आज का पेपर कैसा रहा, फिजिक्स कैसा गया आपको, फिजिक्स कैसा गया, बायोलॉजी कैसा गया और केमिस्ट्री कैसा गया आपको। सो गाइज प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये पेपर कैसा गया, लेवल कैसा था आपके हिसाब से इस पेपर का, और अपनी इनसाइट जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। एंड गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और गाइज एक बार हमारे चैनल विजिट करके देखो, इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा है रिगार्डिंग MHT CET और आने वाले समय में हम MHT CET के एडमिशन प्रोसेस पे बहुत वीडियोस बनाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, स्टे सब्सक्राइब। कॉलेज रिव्यू सीरीज आ रही है जिसमें हम टॉप कॉलेजेस का रिव्यूज हम करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, स्टे सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और गाइज अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइज चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।